भाई ये तो गलत फंस गया मैं तो आया था म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने, ये तो पूरा का पूरा मेनू कार्ड है, इसमें इन्वेस्ट कैसे करूँ? कोई नहीं, भाई आया ना बता के जाएगा। तो नमस्कार, मेरा नाम है दीपक त्रिपाठी, आप एंटर कर रहे हैं चिम्पलोक में, और आज की इस वीडियो में हम म्यूचुअल फंड के सभी टाइप्स के बारे में समझेंगे और कौन सा टाइप किस तरह के लोगों के लिए अच्छा होता है उस चीज़ के बारे में भी बात करेंगे। चलिए चिम्पलोक में। बहुत लोग हमारी वीडियो पहली बार देख रहे होंगे, तो उनके लिए क्विक रिकैप कर लेते हैं कि म्यूचुअल फंड्स होते क्या हैं। म्यूचुअल फंड्स एक तरीके के बास्केट होते हैं जिसमें एक तरीके के शेयर्स रखे जाते हैं। ये किसी भी टाइप से कैटेगराइज हो सकता है और आप उस बास्केट में जितना आपका मन करे उतना इन्वेस्ट करके उन सभी कंपनीज में एक साथ इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर म्यूचुअल फंड्स के बारे में और जानना है तो मैं आई बटन पर वीडियो दे दूंगा, पहले उस वीडियो को देख लो, म्यूचुअल फंड समझ लो और फिर इस वीडियो को कंटिन्यू करना। अब आप अपनी स्क्रीन पे देखिए, यहाँ पे एक फ्लो चार्ट धीरे धीरे क्रिएट होगा जिससे आप आसानी से समझ पाएंगे कि ये पूरी कैटेगरीज कैसे डिवाइड होती हैं। सबसे पहले म्यूचुअल फंड की मेजर कैटेगरीज, इक्विटी यानी जिसमें आप हिस्सेदारी लेते हो, इसमें रिस्क थोड़ा ज्यादा होता है बट रिटर्न सबसे ज्यादा होते हैं। दूसरा डेट, इसमें आप कंपनीज को कर्जा देते हो तो ये बिल्कुल सेफ है बट इसमें रिटर्न थोड़े कम होते हैं। तीसरा हाइब्रिड, ये दोनों के बैलेंस से बनता है, थोड़ा इन्वेस्टमेंट इक्विटी में थोड़ा इन्वेस्टमेंट डेट में। अब इनके अंदर चलते हैं। इक्विटी में आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने मिलेंगे। सबसे पहले हम इस कैप शब्द का मतलब समझते हैं। कैप शब्द का मतलब होता है कैपिटलाइजेशन यानी कि मार्केट वैल्यू। अगर मैं इंडिया की सभी कंपनीज को उनके मार्केट वैल्यूज के हिसाब से एक लिस्ट में लगा दूं तो जो टॉप 100 कंपनीज हैं वो लार्ज कैप कंपनीज होती हैं, 101 से 250 तक जो कंपनीज होती हैं वो मिड कैप कंपनीज होती हैं, और 250 के आगे जो भी कंपनीज होती हैं वो स्मॉल कैप होती हैं। फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप इन सभी के कॉम्बिनेशन से बनाए जाते हैं। फिर आता है सेक्टोरल या थीमेटिक, ये किसी इंडस्ट्री सेक्टर या थीम के बेसिस पे सेग्रीगेट किया गया है। थीम्स यानी टेक्नोलॉजी, फार्मा, रियल एस्टेट, बैंकिंग, फाइनेंस, ट्रांसपोर्ट और भी बहुत कुछ। जब इन पर्टिकुलर सेक्टर की कंपनीज को लेके म्यूचुअल फंड बनाया जाता है तो वो सेक्टोरल या थीमेटिक में आता है। फिर है ELSS, ये एक स्पेशल टाइप के म्यूचुअल फंड्स होते हैं जिसमें इन्वेस्ट करने पर इन्वेस्टेड अमाउंट्स पर टैक्स डिडक्शन मिलता है। इन म्यूचुअल फंड्स में जनरली रिटर्न्स के लिए नहीं, टैक्स बेनिफिट के लिए लोग इन्वेस्ट करते हैं, और इनके बारे में डिटेल में हम किसी और वीडियो में जरूर बात करेंगे। अब इक्विटी में मेरा फेवरेट यानी इंडेक्स फंड, ये स्पेसिफिक इंडेक्स के बेसिस पे फंड्स बनाए जाते हैं। अगर निफ्टी 50 इंडेक्स फंड होगा तो निफ्टी 50 के सभी शेयर्स में इन्वेस्टमेंट होगी। सेम अलग अलग इंडेक्स के लिए भी है, जैसे सेंसेक्स, निफ्टी नेक्स्ट 50, इन सभी के लिए अलग अलग इंडेक्स फंड बनाए जाते हैं जिनमें इन्वेस्ट करने से आप उस इंडेक्स की सभी कंपनीज में एक साथ पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब इक्विटी का लास्ट पार्ट, डिविडेंड यील्ड, ये म्यूचुअल फंड्स उन कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जो कि डिविडेंड बहुत ज़्यादा देती हैं। डिविडेंड क्या होता है हमने वीडियो बना रखा है, आई बटन पर मैं दे दूंगा। तो ये म्यूचुअल फंड सेफ इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक अच्छे ऑप्शन बन जाते हैं। अब बात करते हैं दूसरी मेन कैटेगरी यानी डेट की। डेट की जो सब कैटेगरीज होती हैं वो अलग अलग ब्रोकर्स अपने अलग अलग नाम दे देते हैं, बट मैं आज आपको जनरल तरीके से समझाता हूँ कि इसमें इन्वेस्टमेंट्स कैसे होती है ताकि आप कोई भी ब्रोकर यूज करते होगे आप समझ जाओगे। ब्रोकर यानी जो भी आप ऐप यूज करते हैं। डेट म्यूचुअल फंड्स मेजरली ट्रेजरी बिल्स, बॉन्ड्स और डिबेंचर्स में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं और उसी के हिसाब से कैटेगराइज कर देते हैं। कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड, स्टेट गवर्नमेंट बॉन्ड फंड, सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल फंड, गोल्ड बॉन्ड फंड, इस तरीके से ये अलग अलग तरीके के बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल और डिबेंचर्स में इन्वेस्ट करते हैं और उनका कुछ भी नाम दे सकते हैं। डेट म्यूचुअल फंड्स लेते समय एक चीज का ध्यान रखना कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट्स ज्यादा सेफ होती है कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के कंपैरिजन में। एक कॉमन सब कैटेगरी भी होती है डेट में जिसे हम लिक्विड फंड कहते हैं। ये बेसिकली बहुत ही थोड़े टाइम के लिए अगर आपको किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, सेफ रखना है पैसा, तो आप लिक्विड फंड का यूज कर सकते हैं। इसमें ब्लॉकेज बहुत कम होती है। अगर आपको चार्जेस के बारे में और डिटेल में समझना है तो आई बटन पे हमारी म्यूचुअल फंड वाली वीडियो है, आप उसे देख के समझ सकते हैं। अब तीसरा है हाइब्रिड। आपका म्यूचुअल फंड बेचने वाला इसमें बहुत सारे नाम डाल के आपको डरा सकता है, आर्बिट्राज, कंजर्वेटिव, एसेट एलोकेटर और भी पता नहीं क्या क्या नाम दे सकता है। बस इतना समझना कि ये इक्विटी और डेट के बीच में एक बैलेंस बनाते हैं और उसी अलग अलग बैलेंस को अलग अलग नाम दे दिया गया है। एक कैटेगरी कभी कभी आपको और दिख सकती है जिसे हम फंड्स ऑफ फंड्स कहते हैं। इसका नाम ही बता रहा है कि ये कुछ म्यूचुअल फंड्स को मिला के एक म्यूचुअल फंड बनाया गया है और उसमें आप इन्वेस्ट करते हैं, तो आप इनडायरेक्टली कई म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके। ये फंड्स ऑफ फंड्स यूजुअली इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स के लिए किए जाते हैं जहाँ पे कंपनीज बाहर के म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करती हैं और आपको अपने म्यूचुअल फंड बेचती हैं। मैं ये पर्सनली रिकमेंड नहीं करता हूँ क्योंकि इसमें बहुत हाई चार्जेस होते हैं जो कि शायद आपको पे नहीं करने चाहिए, बिकॉज इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट करने के और भी बहुत अच्छे ऑप्शंस होते हैं। अगर उनके बारे में जानना है
है उनके बारे में डिटेल वीडियो चाहिए हमें कमेंट्स में बताओ, हम जरूर बनाएंगे। तो ये थे बेसिकली सभी टाइप के म्यूचुअल फंड्स। अगर हमसे कुछ छूट गया हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आई होप अब आप लोग अपने लिए एक अच्छा म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर पाएंगे। म्यूचुअल फंड्स के डॉक्यूमेंट्स कैसे पढ़े जाते हैं या इसमें इन्वेस्टमेंट कैसे एनालाइज की जाती है उसके ऊपर भी एक वीडियो जल्दी ही आएगी, तो चिंप लोग को उसके सभी हैंडल्स पर फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना। मिलते एक नई वीडियो में। थैंक्स, बाय बाय।